हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे बेसन के आलू। आइए देखते हैं उसके लिए रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन के आलू। गट्टे की सब्जी तो बहुत लोगों ने ट्राई की होगी, आज हम बनाएंगे बेसन के आलू। इसके लिए मैंने एक बाउल बेसन लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये 2 से 3 लोगों के हिसाब से। हींग 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, इसको मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। एक डो तैयार कर लेंगे, इसका आटे के जैसे एक डो बना लेंगे। बेसन का डो बनकर हमारा तैयार है। इस तरीके से पानी की मात्रा आप कम ही रखें, नहीं बेसन गीला हो सकता है। इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 5 मिनट हो गए, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इस डो को ऐसे हाथ से मसल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसके छोटी छोटी से बॉल बनाएंगे, इस तरीके से बॉल बनाएंगे। छोटी छोटी गोल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मीडियम साइज की बनानी है। इसी तरीके से हम सारी बॉल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बना लेंगे सारी बॉल बना लिए। आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं, छोटा बड़ा, क्योंकि इसको पीसेस में कट करने रहते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, खाने में काफ़ी अच्छे बनते हैं। मैंने एक कढ़ाई में पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है पहले से ही। इसमें ये सारी बॉल डाल देंगे एक एक करके। इसको 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए मीडियम आंच पे छोड़ देंगे बॉयल। जब तक हमारी बेसन के आलू बॉयल हो रहे हैं, तब तक आइए हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में चाहिए होगा 2 मीडियम साइज की प्याज, 6 से 7 लहसुन की कली। इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे, प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। इसमें प्याज डालेंगे, लहसुन, इसमें आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी पिसा हुआ, इसलिए मैं इसमें काली मिर्च नहीं डालूंगी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें काली मिर्च, मैं इसको पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज और लहसुन का पेस्ट बनके तैयार है। इसमें अब हम डालेंगे मसाले, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर देंगे। आलू हमारे बॉयल हो रहे हैं, हम इनको 1 से 2 बार ऐसे मिक्स कर देंगे। इनको 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। ये खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं डलता है, बेसिक मसालों से ये बन जाते हैं। खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। इनको 3 से 4 मिनट और बॉयल होने देंगे। आलू को हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आलू हमारे बॉयल हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे आलू। मैंने सारे आलू एक प्लेट में निकाल लिए। गैस को ऑफ कर देंगे, इसमें जो पानी है उसको एक बाउल में निकाल लेंगे, इसी से ही हम ग्रेवी बनाएंगे। पानी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। सेम कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऑयल को हम गर्म होने देंगे, आलू को हम ठंडा करके। ऑयल हमारा जब तक गर्म हो रहा है, आलू को हम इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से 2, 4 में जितने में आप कट कर सकते हैं, 4 पीस 5 पीस में आप ऐसे ही सारे आलू हम कट कर लेंगे इसी तरीके से। देखिए, मैंने सारे आलू काट लिए हैं पीसेस में। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें आलू डाल देंगे, आलू फ्राई करेंगे। आप चाहें तो बगैर फ्राई करे भी बना सकते हैं आप, लेकिन इनको काट के रखिए और मसालों में इनको डाल दीजिए। मैं इसको फ्राई करके बनाऊंगी, इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। 2 से 3 मिनट हो गए, आलू हमारे फ्राई हो गए। हम आलू को निकाल लेंगे एक प्लेट में। सारे आलू मैंने निकाल लिए हैं। सेम ऑयल में हम डालेंगे हींग, हींग को गर्म होने देंगे। इसमें अब हम डालेंगे मसाला जो हमने तैयार किया था, इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने डाल दिया है, मसाले को मिक्स करेंगे। मसाले को 3 से 4 मिनट हो गए हैं भुनते हुए। अब इसमें डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसको मिक्स कर देंगे नमक को। ये हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए भुनने के लिए छोड़ देंगे। मसाला इसी तरीके से भुन लेगा, 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। देखिए मसाला कितना अच्छा भुना है हमारे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो 1 से 2 मिनट के लिए और भुनने देंगे। अभी 1 से 2 मिनट हो गए मसाला भुनते हुए हमारे। इसमें हम डालेंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे बेसन के, तो मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी, जो आलू का पानी हमने निकाला था उसको हम डाल देंगे। पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है इसलिए हम थोड़ा सा सादा पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से करें ग्रेवी, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। हम इसको 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्जी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए, हम इसको चेक कर लेंगे एक बार। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, सब्जी हमारी तैयार है। ग्रेवी इतनी पतली रहने देंगे क्योंकि अभी ये रखी रहेगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी। गैस को हम ऑफ कर देंगे। एक आलू देखिए, हम देखिए मैं चम्मच से काट के दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट बना है। ये देखिए सब्जी का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। इसमें डालेंगे हरा धनिया। सब्जी बनकर हमारी रेडी है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया, इसमें डालेंगे हरा धनिया। सब्जी हमारी बनकर रेडी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए, खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसको रोटी के साथ, पराठा के साथ खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।